नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अमर बेल का लता जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ से वह जीवित रहता है। अमर बेल का कोई जड़ नहीं होता है। अमर बेल का लता पूरा पेड़ पर फैल जाता है और धीरे धीरे वह पेड़ सूख जाता है। अमर बेल की लता को आप तोड़कर जिस पेड़ पर डाल देते हैं वह उसी पेड़ पर पनपने लगता है, उसी पर वह फैल जाता है। इस लता को अमर बेल, आकाश लता, आयुर्वेद के अनुसार अमर बेल एक औषधीय लता है। बवासीर रोगियों के लिए यह फायदेमंद है, चाहे खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर। इस लता का चूर्ण बना लें। 12 ग्राम अमर बेल का चूर्ण और उसमें 6 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 3 दिन में ही बवासीर में लाभ मिलता है। यह आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। ताज़ा लता को रस निकालकर आँखों के ऊपर और माथा में लेप करने से रोशनी बढ़ता है। मोतियाबिंद होने पर इसमें 5 ग्राम शक्कर मिलाकर आँख में लगाने से फायदा करता है। अमर बेल का लता यह बालों के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे बाल का कोई भी समस्या हो, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, गंजापन आदि सभी समस्या को दूर करता है। जिनके बाल झड़ रहे हैं या गंजापन की समस्या है तो 50 ग्राम इस अमर बेल लता को लें, उसको कूट पीस कर रस निकाल लें और उसमें 1-2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर आप बालों में लेप करें, बालों में लगाएं। बाल में लगाने के बाद 5-6 घंटा तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसको बाद आप बाल को धो लें, स्नान कर लें। इससे बालों की सभी समस्या दूर हो जाता है, बाल झड़ना रुक जाता है, गंजापन की समस्या से मुक्ति मिलता है, नए बाल उगने लगते हैं, बाल में रूसी या जुए सभी मर जाते हैं, सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं और बालों की लंबाई बढ़ता है। नारियल तेल के जगह पर तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।